नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम रिटायर होने के बाद में। रिटायर जब होते हैं ना, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ों के चैलेंजेस होते हैं। एक तो पहला होता है कि अगले दिन हम क्या करेंगे, और दूसरा चैलेंज होता है कि जो आने वाला जीवन है उसमें फाइनेंशियल जो हमारे खर्चे हैं वो किस तरह से निभाएंगे। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपको इस कार्यक्रम में हम हर बार किसी नए शख्स से मिलाएंगे, उसी वादे को पूरा करते हुए आज हमारे साथ बलजीत शर्मा जी हैं। बलजीत जी लाइफ केयर आरओ सिस्टम के फाउंडर हैं और पिछले 20 साल से इस काम को कर रहे हैं। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। हाँ जी सर। बलजीत जी, आपने कभी सोचा कि रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? नमस्कार सबको। विशाल भाई साहब, ऐसा है, देखो ये जीवन ऐसा है, रिटायरमेंट तो इसमें जब तक आदमी की सांस है, जब तक आदमी सोचता है कुछ ना कुछ करता ही रहूं। पर हालात एक बार ऐसे होते हैं कि लाइफ लास्ट में जाके ऐसी हो जाती है कि हाथ पैरों में जान उस हिसाब से नहीं रहती कि आदमी कुछ कर सके। और रिटायरमेंट के बाद तो सर अपनी तो देखो इच्छा है कि गांव में रहें। जो मज़ा गांव में रहने में, खेतों में रहने का है, वो मज़ा दिल्ली में है नहीं साहब। पर काम धंधे यहाँ है। अपनी जो प्लानिंग यही है भाई, शुरू से यही सोचा है जब से काम खोला है कि थोड़ा थोड़ा बचा के रखना चाहिए आदमी को। बुरे वक्त का कुछ नहीं पता कि कब बुरा टाइम आए। आज बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कल मंद आ सकता है। कोरोना जो आया पिछले कई साल में, शायद पब्लिक ने, दुनिया ने नहीं सोचा कि ऐसा टाइम आया घरों में बंद होके रहना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस वही रहे जिन्होंने दो पैसे बचा के रखे। अमेरिका के एक दिन 13 बैंक बंद हुए थे क्योंकि बचाते नहीं है। हमारे इंडियन चाहे गरीब हो अमीर हो, हर बंदा चाहे जितना मर्जी कमा ले, फ्यूचर के लिए जोड़ता है और सोचना चाहिए। तो हमने भी यही सोचा है कि दो पैसे जोड़ के रखते हैं, LIC करा रखे हैं, बुढ़ापे में वो काम आएंगी। दादा की थोड़ी बहुत ज़मीन है जो हमारे पास है पापा के नाम में, वो हमारे पास मिल जाएगी। तो जी बुढ़ापा तो गांव में ही बिताना है बढ़िया तरीके। दिल्ली में तो बस मन भर गया, पर यह कि बच्चे बड़े हो जाएं और दो पैसे, मैं तो सबको कहूँगा भाई पूरे टाइम के लिए दो पैसे बुढ़ापे लिए बचा के रखो, और वही बचत काम आती है लाइफ में। अच्छा शर्मा जी, जैसे आपने बोला कि बचा के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सोच जो है जिसकी कई बार लगता है कि कमी है, क्योंकि जब ओल्ड एज आती है तो फिर पैसे की आदमी को दिक्कत होती है। अच्छा आपने बोला जैसे आपने LIC करा रखी है, क्या मैं ये पूछूं अगर आपसे कि रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि जिस दिन भी आप अपना काम करना चाहे अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, उस दिन के बाद आप जो फाइनेंशियल आपकी ज़रूरतें हैं उनको किस तरह से पूरा करेंगे, उसके लिए भी कोई प्लान है आपका? सर फाइनेंशियल के लिए मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक तो आदमी खर्चे हमेशा लिमिट में रहें तो बहुत बढ़िया रहता है, चाहे बढ़िया कमाए, कम कमाए, ज़्यादा कमाए। दूसरा से जो LIC करा रखी है मैंने, काफ़ी 2-3 पॉलिसी महंगी महंगी ली हुई हैं। बुढ़ापे में इतना पैसा मिल जाएगा, गांव में अपने खेती बाड़ी है, अपने गांव में आराम से रहेंगे, और जो पैसा है वो इतना मिल जाएगा कि बच्चे भी कहेंगे भाई पापा को चाहिए। पहली बात तो बच्चों को इस लायक बना रहे हैं हम कि वो अपने पैरों पर खुद ही खड़े रहेंगे, इनके जरूरत पड़ी तो बेटा ले जाओ। तो बचत बहुत जरूरी है सर, लाइफ में बचत होनी चाहिए, जीने का मजा जब ही है। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और बताएं कि हेल्थ को लेकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे स्वास्थ्य खराब होता जाता है और खर्चे बढ़ते जाते हैं, आपने क्या जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है इसके बारे में सुना? हाँ, मैंने तो शुरू से मेडिक्लेम करा रही क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, अपना कोई ये तो है नहीं, CGS का कार्ड ही है। शुरू से मेडिक्लेम पॉलिसी करा के रख रखी है और वो हर साल रिन्यू होती है। लेकिन सर शरीर को फिट रखना है बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजी रहें चाहे खाली रहें। सुबह शाम कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा बहुत आप फिजिकल मेहनत करेंगे, किसी पार्क में जाकर चाहे 10 मिनट टहल के आएंगे, और आप एक बार करके देखेंगे 10-15 मिनट सुबह सुबह या शाम को पार्क में जाके, आपका खुद फील होगा कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। जिस दिन आप 2-4 दिन सुबह शाम पार्क में जाके आप घूम के आएंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि यार शरीर में कुछ फर्क है। बाकी तो हारी बीमारी तो सर कभी भी किसी को हो सकती है, पर यह कि थोड़ा बहुत हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, सुबह शाम घूमो और मेडिक्लेम तो देखो करा के रखनी चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे महंगी हो, थोड़ा बहुत करा के रखना चाहिए जो बुढ़ापे में काम आता है। अच्छा शर्मा जी, आपने बोला आप रिटायर होने के बाद गांव में चले जाएंगे, खेती करेंगे, कुछ प्लान है कि खेती किस तरह की करेंगे? सर खेती वेती ऐसे नहीं है कि हमें बेचना है, अपने जो थोड़ी बहुत पापा की जो जमीन है गांव में, कुछ नहीं करना उसमें, अपने बाउंड्री करा के अपना 2 कमरे बना लेंगे, अपने गोभी वोभी मूली बोया करेंगे, अपने वहीं खाया करेंगे, वहीं रहा करेंगे, बच्चे आएंगे तो घूमने आ जाया करेंगे। बहुत बढ़िया शर्मा जी, मतलब आप एक अपना इकोसिस्टम बना लेंगे, वहीं रहना, वहीं खाना, और वहीं सब्जी उगाई और वहीं बनाई और खाई, वहीं मजा आएगा जी।
अच्छा बलजीत जी, आपसे आखिरी में एक सवाल लेना चाहूँगा। आप बचत करने के लिए जागरूक थे, हो सकता है आपको किसी ने बात बताई हो या आपने खुद ही अपने आप सीखी हो। नहीं, हमें भी बताई थी किसी ने, हमें भी ये जो बात है किसी हमसे जो उम्र में बड़े हैं पैसे वाले, उन्होंने बताया कि भाई आपको आप लाख रुपए कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, लेकिन यदि उसमें से आप फ्यूचर के लिए बुरे टाइम के लिए बचत नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप हमेशा परेशान रहोगे। जितना मर्जी कमा लो लेकिन बुरे टाइम के लिए बचा के रखना चाहिए। बुरे टाइम ये नहीं पता कब किसका मंदा आ जाए, किस चीज़ का क्या हो जाए। आज फैमिली बढ़िया चला, फैमिली में फादर हैं वो बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया बिजनेस है, भगवान ने अचानक कुछ हो जाए तो ना तो कोई बिजनेस संभालने वाला होता ना कोई देखने वाला। तो इसलिए बुरे टाइम के लिए हमेशा बचत बहुत जरूरी है जी लाइफ में। कुछ युवा जो या अपना काम करते हो चाहे नौकरी करते हो, उनको बचत को लेके कोई संदेश देना चाहेंगे? आप तो बहुत चीजें आ गई मार्केट में, 1500 हर महीने बतेरी मार्केट में स्कीम आ रही, बैंक में आरडी होती हैं, पीपीएफ अकाउंट हैं और बहुत चीजें हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, उसमें 1000-1500 जमा करो, फ्यूचर में वो बढ़ के मिलते हैं, बढ़िया है। बहुत चीजें अब तो मार्केट में इन्वेस्ट करने की, आप चाहे 100 रुपये करो, 500 रुपये करो, आज की रेट में 100-500 वैल्यू नहीं रखते लेकिन 10-20 साल बाद उनकी वैल्यू बनेगी, जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तब उसकी वैल्यू है। धन्यवाद शर्मा जी। सो व्यूअर्स, आपने शर्मा जी को सुना, शर्मा जी ने बिल्कुल दिल से बात की और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो वास्तव में जीवन का यथार्थ है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बिल्कुल ठीक हैं, कमा रहे हैं, अच्छी तरह से मेहनत कर पा रहे हैं, उस समय हम अपनी अर्निंग में से अगर कुछ बचाएंगे फ्यूचर के लिए तो हमें बहुत फ़ायदा देगा। अब आपसे विदा लेते हैं। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।